सो हेलो एवरीवन, दिस इज राज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड द ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं कार का वीडियो लेकर, कार के शोरूम में आ चुके हैं जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार आपको बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिलने वाली है। लोकेशन का हम लोग बात करें तो लोकेशन आ चुके हैं भाई बरियातू में। यहाँ का परफेक्ट लोकेशन हम लोग बता देंगे आपका डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ के ओनर प्राउड ओनर से भी मिलेंगे, उनसे बाकी जानकारी लेंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं, झारखंड मारुति मोटर्स में। यहाँ पे आपको सारी गाड़ियाँ, सारी सेगमेंट की गाड़ी आपको मिल जाएगी, जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे सेगमेंट की गाड़ी आपको यहाँ पे मिलेगी, सारे गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है इसी तरह का अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को गाड़ियाँ दिखाते हैं। भैया चलिए यहाँ के प्राउड ओनर से मिलते हैं, उनसे बाकी जानकारी लेते हैं। कैसे सर? ठीक है सर, बढ़िया। सबसे पहले आपका नाम बताएगा? मेरा नाम है तबरेज आलम। ओके, आपका शोरूम का नेम बताएगा? मेरा शोरूम का नाम हुआ झारखंड मारुति मोटर। ओके, और यहाँ पर बताएगा कोई आर्मी लोग कोई भी आ रहा है तो कहाँ से आएगा, लोकेशन बताएगा? लोकेशन ये हमारा हुआ आपका बुटी मोड़, बरियातू रोड, और ये बालपन हॉस्पिटल को अपोजिट में है। बालपन हॉस्पिटल का अपोजिट में बरियातू। किसी को भी गाइस दिक्कत होगा तो बालपन हॉस्पिटल अगर आप लोग लिखिएगा गूगल मैप में तो आपको मिल जाएगी लोकेशन। यहाँ का सामने अपोजिट में हम लोग दिखा सकते हैं दवात फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट इसके अपोजिट में ही आपको ये गाड़ी का शोरूम। चलिए यहाँ के फर्स्ट कार से हम लोग मिलते हैं जो कि होने वाली है इसके बारे में। ये कौन सी कार हो जाएगी बताइए? ये एक्सयूवी 900 है। ओके, चली कितनी होगी ये कार? 69,000 चली हुई होगी। कब की मॉडल है? 2018 की है। प्राइस कितना रखा गया? प्राइस है 9,50,000। कोई भी हमारे चैनल के थ्रू आता है तो उसको डिस्काउंट हो जाएगा? यस सर, डिस्काउंट हो जाएगा। हो जाएगा ना? आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग बोलिएगा राज ब्लॉग के चैनल से आए तो अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। कंडीशन का हम लोग बात करें भाई, कंडीशन बढ़िया कंडीशन में आपको ये कार मिल जाएगी। और नेक्स्ट देख लो हम लोग का जो होने वाली है इसके बारे में, इसके बारे में बताएगा ये कौन सी हो जाएगी? ये क्रेटा है। क्रेटा है, कब की मॉडल है? 2017 की है। 2017 की मॉडल है, देख लीजिएगा। रांची की नंबर आपको ये मिल जाएगी। चली कितनी हुई होगी? 90,000 चली हुई है। 90,000 चली हुई आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। प्राइस कितना रखा गया? 7,50,000 7,50,000 भाई इसका आइसक्रीम रखा गया, कहीं से भी आप लोग है लेके जा सकते हैं। और बताएगा यहाँ पे जितने लोग भी भाई लोग आ रहे हैं उसको फाइनेंस हो जाएगी? फाइनेंस हो जाएगी। हो जाएगी कहाँ कहाँ तक, मतलब कोई भी बंदा झारखंड के बाहर भी है तो वो कहीं भी, इंडिया कहीं भी, इंडिया के कहीं भी, इंडिया के आप लोग कहीं भी हैं गाइस फाइनेंस हो जाने वाली है, फाइनेंस की कोई टेंशन की बात नहीं है। और कितना डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा कम से कम? मिनिमम वही 50,000। 50,000 मतलब 50% ऐसा मिनिमम? 50,000 में आप आइए ले जाइए गाड़ी, लेके जा सकते हैं ना। चलिए भाई 50,000 देकर आप लोग गाड़ी यहाँ से लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ मूव करते हैं जो कि होने वाली है, देख लो भाई ये सुजुकी की कौन सी होने वाली है? ये है डिजायर है। डिजायर है, बहुत लोग डिमांड करते बोलते हैं कि ये गाड़ी के लिए भाड़ा में भी चाहिए उन लोग को और फैमिली के लिए भी चाहिए, दोनों के लिए गाड़ी सूटेबल है गाइस। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं भैया, कब की मॉडल है? 2018 की मॉडल है भाई। देख लो गाड़ी की कंडीशन, बढ़िया कंडीशन में आपको ये गाड़ी मिलेगी। चली कितनी हुई होगी? 67। प्राइस कितना रखा गया? 6,50,000 6,50,000 का इसका प्राइस रखा गया है। चक्का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, और कुछ कम बेसी हो जाएगा डिस्काउंट? हाँ सर, कम हो जाएगा, कम बेसी डिस्काउंट हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट जो गाड़ी हम लोग दिखाएंगे वो वर्ना की हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिमांडेबल ये कार है, आप लोग देख सकते हैं। प्राइस इसका मतलब कब की मॉडल ये बताएगा? 2019 की मॉडल है। 2019 की है, 19 की मॉडल मिल जाएगी गाइस। चली कितनी हुई होगी? 45,000 है। 45,000 चली हुई है, कम चली हुई आपको ये गाड़ी मिलेगी। कंडीशन आप लोग अंदर देख ही सकते हैं, बढ़िया कंडीशन आपको मिलेगी। और इसका बताएगा रेट क्या रखा गया आस्किंग? रेट लो वही 9,10,000 है। 9,10,000 9,10,000 इसका आस्किंग रखा गया, आने के बाद शोरूम कम बेसी हो जाने वाली है। नेक्स्ट कार की तरफ मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट कार देख लीजिए होंडा की कौन सी होने वाली है? i20 है। टॉप मॉडल है, सनरूफ में है। टॉप मॉडल में आपको मिल जाएगी भाई, सनरूफ में आपको मिलेगी, देख लो बढ़िया कंडीशन में आपको मिलेगी कार ये। और ये आपका कहाँ की नंबर हो जाएगी? ये है बोकारो का। बोकारो की नंबर मिल जाएगी भाई 09। और चली कितनी हुई होगी? 22,000 चला हुआ है। 22,000 ओनली 22,000 चला हुआ आपको ये कार मिलेगा भाई। और इसका प्राइस कितना रखा गया? 8,50,000 8,50,000 में इसको आप लोग अपना बना सकते हैं। कंडीशन तो आप लोग देख ही लिया, बढ़िया कंडीशन में आपको। इसके बारे में हम लोग को बताइए कौन सी गाड़ी हो जाएगी? ये अल्टो की है। अल्टो की है, अल्टो की भाई गाड़ी मिल जाएगी, बहुत कोई डिमांड कर रहे थे छोटी सेगमेंट में गाड़ी चाहिए, देख लो अल्टो की आपको ये मिल जाएगी। कहाँ की नंबर होगी? हजारीबाग नंबर है। हजारीबाग की नंबर हो जाएगी। रामगढ़ की नंबर मिलेगी भाई। और इसके बारे में हम लोग बात करें, कंडीशन का बात करें तो A1 कंडीशन में आपको ये गाड़ी मिलेगी।
और चली कितनी होगी? चली हुई 11,000 है। 11,000, 11,000 बस आपको ये चली हुई मिलेगी। प्राइस कितना रखा गया? 4,75। 4,75,000। 4,75,000 रखा गया गाइस। फाइनेंस भी आप लोग करवा सकते हैं, मतलब कितना देने से हो जाएगा फाइनेंस? वही मिनिमम 50,000। मिनिमम 50,000। 50,000 दीजिएगा गाइस, कोई भी गाड़ी आप लोग घर लेके जा सकते हैं बाय फाइनेंस। तो जहां तक हम लोग फोर्ड की बात करें भाई, फोर्ड की गाड़ी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर है 01 रांची की नंबर मिलेगी। चली कितनी हुई होगी? 15,000 चला हुआ है। 15,000 बस। कब की मॉडल है? मॉडल 2015 की। 2015 की है। प्राइस कितना रखा गया? 4,75,000 रेट रखा गया, जो कि गाड़ी में कोई भी मीटर टेम्पर्ड ये सब नहीं ना है? नहीं नहीं, सब कोई नहीं। कोई आपको गाड़ी में मीटर टेम्पर्ड ये सब नहीं मिलेगा। कोई भी गाड़ी आप लोग जहाँ से ले रहे हैं और कुछ भी दिक्कत होगा गाड़ी में, वो आप लोग करवा के देंगे, करवा के देंगे ना, गाड़ी में प्रॉपर करवा के दिया जाएगा। चलिए आप, तो ये जो गाड़ी होने वाली है हुंडई की, कौन सी गाड़ी होने वाली है? i10 है। i10 आपको मिलेगी गाइस, हुंडई की गाड़ी देख लीजिए, 01 रांची के नंबर आपको ये मिलेगी। इसके बारे में बताइएगा कब की मॉडल है? 2012 की। 2012 की मॉडल है। कितनी चली कितनी हुई होगी? ये है 35। प्राइस क्या रखा गया? 1,70,000। 1,70,000 गाइस रखा गया, जो कि कम बेसी हो जाने वाली ऑन द टेबल। इसमें भी फाइनेंस हो जाएगी? फाइनेंस हो जाएगी ना। इसमें भी फाइनेंस आपको हो जाएगी, मतलब 50,000 कम से कम ऐसा हो जाएगी ना। इसमें 50,000 देना पड़ेगा, उससे कम देना पड़ेगा? उससे कम भी हो जाएगा। हो जाएगा ना, उससे कम में भी। तो गाइस देख लीजिए, ये जो गाड़ी होने वाली है स्कोडा की है, देख लो, जल्दी मिलती नहीं है देखने को। इसके बारे में हम लोग बात करें, 01 रांची की नंबर आपको मिलेगी। कहाँ की मॉडल, कब की मॉडल है? 2014 की है। 2014 की आपको मॉडल मिल जाएगी, इसमें फाइनेंस हो जाएगी ना, मतलब फाइनेंस हो जाएगी गाइस। प्राइस क्या रखा गया? 1,70,000। 1,70,000। 1,70,000 इसका प्राइस रखा गया। और चली कितनी हुई होगी? 1,10,000। 1,10,000 चला हुआ है। 1,70,000 रेट रखा गया, जो कि कम बेसी हो जाने वाली है। इसमें भी आप लोग फाइनेंस करवा के लेकर जा सकते हैं, मतलब 50,000 से नीचे देगा तो कोई बंदा फाइनेंस हो जाएगा ना, ऑल ओवर इंडिया आपको फाइनेंस। और एक गाड़ी है इसके बारे में लोग बात करते हैं, हुंडई की, कौन सी हो जाएगी? ये 2018 की मॉडल है। 2018 की मॉडल है। 2018 की आपको ये मॉडल मिल जाएगी। कितनी चली हुई होगी? चली हुई है 70,000। 70,000। कौन सी गाड़ी होगी ये? 20 है। ये देख लीजिए भाई, आपको i20 गाड़ी मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल है। हुंडई की आपको मिलेगी, 2018 की मॉडल मिलेगी, रांची की नंबर मिलेगी। रेट क्या रखा गया? 5.5 लाख इसका रेट रखा गया, जो कि आने के बाद नेगोशिएबल हो जाएगा हर एक गाड़ी में। जितने कोई भी देख रहे हैं आप लोग वीडियो, तो ऑन द स्क्रीन कुछ ना कुछ डिस्काउंट हो जाने वाली है। तो भैया यही पे हम लोग ब्लॉग को खत्म करते हैं। कोई भी बंदा आता है तो गाइस सबसे पहले नीचे जो नंबर है उसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सातों दिन यहाँ पे ओपन रहता है? संडे को ऑफ रहेगा भाई। कभी भी आप लोग आ रहे कॉल करके आ सकते हैं। कॉलिंग टाइमिंग बताएगा तो हो जाएगा ना। ओके, और कॉलिंग टाइमिंग बताएगा? वही 10 से 7 PM। 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिस्पांस मिलेगा। यहाँ पे जितनी चीज भी है फाइनेंस के बारे में, क्या क्या चीज अगर फाइनेंस कोई करवाता है तो क्या क्या चीज उसको लगेगा? आधार है, पैन है, आधार है, पासबुक और बिजली बिल किसी के नाम में भी। बिजली बिल किसी के नाम पे? बिजली बिल किसी के नाम पे भी आपको हो जाएगी ना? हाँ, बिजली बिल किसी के नाम पे हो जाएगी। ओके, और कैश जो कि लेंगे तो उसके लिए क्या क्या लगेगा? कैश के लिए वही बस आधार और पैन कार्ड। आधार और पैन कार्ड। आधार और पैन कार्ड अगर आप लोग लेकर आइएगा तो कैश से गाड़ी आप लोग लेकर जा सकते हैं। अब हम लोग चलिए यही पे वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, ज्यादा ना लॉन्ग करते हुए। वीडियो में अगर आपको कोई भी गाड़ी दिखती है आपके पसंदीदा गाड़ी, आप लोग उधर बुकिंग भी करवा सकते हैं कॉल करके। तो चलिए अब यही पे वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।